वेलकम टू बासे राशमी चैनल। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बासे राशमी, आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर आया हूं। और आज मैं मौजूद हूं सुमहैन भाई के पास, कोरंगी वाले। अस्सलामु अलैकुम। सोमी के नाम से मशहूर हैं। और मैं साहब कौन है? ये साहब कौन है? सुहेल भाई है हमारे। ये सुहेल भाई है। अस्सलामु अलैकुम। जुबैर भाई। तो दोस्तों इनका शौक भी दिखाएंगे आपको और इनसे थोड़ा सा जानते हैं कोरंगी में किस जगह से शौक कर रहे हैं। सुमेर भाई, ये कोरंगी का कौन सा एरिया हमारे देखने वाला है? ये मेन कल्लू चौक है। अच्छा, तो ये छत बहुत मशहूर है। अच्छा, कैसे? ये मशहूर है। यहाँ जितने भी पुराने कबूतर बाद है ना, वो आपको खुद इस छत के बारे में बता देंगे। अच्छा, ये इमरान भाई नंबालों की छत है। अच्छा, जहाँ जो आता है वो नमक खा के जाता है अल्लाह के फजल से। और इस छत का उसूल है, इधर हर साल नए छुटते हैं, हर साल नए लड़ते हैं भाई। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब यहाँ नए कबूतर खुलते ना, हम किसी सेती को देख के यही सोचते कि भाई कि अभी हम 10 मिनट बाद खोल ले। सेती खड़ा हुआ कबूतर, उसी पूछ लेना आप, इस सही बात है, उसी टाइम कबूतर खुलते हैं, 2-4 दिन में वहीं डब्बा कर देते हैं, यहाँ गए यार। क्योंकि हम शौकीन हैं, हम कोई रखकर पाल के 2-3 साल जमा नहीं करते, हर साल नए छोड़ते हैं। और मैं नहीं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, आबिद भाई हैं और बड़े बड़े जितने भी हमारे भाई हैं इधर के कुरंगी के, हर साल नए कबूतर छोड़ते हैं वो और हर साल लड़ाते हैं। सईद भाई हैं, पर बर्गर, वो भी हर सईद बर्गर उसका पूरा नाम है। उन्होंने अभी तारिक भाई को आज आना था वीडियो में, वो गए हैं। वीडियो इसीलिए बनती है कि तारिक भाई की छत पे जो खड़ा है, तारिक भाई इधर हैं अपने सेटिंग वाले, उनकी छत पे खड़े होकर जो सारा पूरा गंडा हुआ है। कौन सा? ये जो अभी आपकी वीडियो छोड़ी गई। अच्छा 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 दोस्तों, ये वो नाजो भाई वाली वीडियो की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो वीडियो छोड़ी गई थी भाई, आपकी लड़ाइया सुमेर भाई से चल रही है, या आपका जो भी मसला है सुमेर भाई का है, ठीक है, आप नाम ले लो कुरंगी के लोगों का। अब आप मुझे ये बात बताओ, ये बात इज्जतदार बंदे को करने चाहिए? अगर आपको कोई शिकिला शिकवा है, आपके दिल में कोई ऐसी बात है, तो भाई आप हमें बुला लो, हमने 2 दफ़ा पैगाम पहुँचा चुके हैं, 3 दफ़ा आज वीडियो के जरिए तारिक भाई का। क्योंकि देखो, नाजो ने तो माफ़ी मांग ली, उसकी तो बात ही ख़त्म हो गई बड़े बड़े उस्तादों से। ठीक है ना, मैं उस्ताद वाला हूँ, लेकिन मैं उस्तादों की भाई बहुत इज्जत करता हूँ, भले वो किसी भी किस्म का न्यूट्रल बंदा हूँ। और दूसरी बात ये है कि भाई मेरे सईद भाई जो है अभी गए हैं, नहीं तो वो भी इस वीडियो में शामिल होते। जो भी बात है, अगर आपको कोई मसला है, आपके पास 200 तलवारें हैं, तो भाई वो 200 तलवारें आपके पास, जहाँ छतें आप हमें छत दिखा दें, वो 200 तलवारें आप वहाँ छोड़ दें, कबूतर हाथ के हाथ आपसे लड़ेंगे। ठीक है, ये कबूतर आप चाहें तो देख लें, 325 कबूतर है, आप अपनी तलवारें उतार लें 200, और यहाँ से जो आपको समझ में आ रहे हैं 200 कबूतर भर लें, और कबूतर हम वही लड़ाएंगे जैसे उनके कबूतर होंगे, इंशाल्लाह उससे अच्छी कबूतर होंगे अल्लाह के फजल करम से। नाम कोई गलत बात कर ले, अगर आपको कोई बात थी, अगर कुछ रोकना था, तो आपको उसी टाइम रोकना चाहिए था। छत तो आपकी इस्तेमाल हो रही है ना भाई, अभी हमारी छत है, हमारी छत पे सैकड़ों बंदे आते हैं, कोई आके अगर गलत बात किसी के खिलाफ करे, हम तो उतार के भगाएंगे मार मार के उसको। अभी आप बताओ, मैं जायज़ बात करूँ गलत बात करूँ? छत आपकी इस्तेमाल हो रही है, अगर आपके किसी के बारे में, यार आप सुमेर के बारे में बोल रहे हो मिसाल के तौर पे, तो आप सुमेर तक की बात करो ना। अगर अच्छा, ये जो उन्होंने जो आप कह रहे हैं, उन्होंने तो रामस्वामी वालों को आवाज़ दी थी, तो आपको उनसे क्या कनेक्शन? भाई जान उनसे हमारा कोई, देखें वो भी हमारे दोस्त यार हैं, हम सब कराची के शौकीन हैं, इज्जतदार, और बात इज्जत की है। मसला सारा ये है कि उन्होंने उसको आवाज़ देते देते बोल दिया कि कुरंगी में मैं आवाज़ दूंगा। अच्छा, नए खलीफा बने कराची में, सब जानते हैं कि नए खलीफा कौन बने, क्या बने। देखो, शौक करने वाला जो बंदा है वो इज्जतदार है, खलीफा जो भी इज्जतदार है। सही बात, तालीम वाला बंदा है ना। बस तो अपनी जुबान, हाँ, कोई ऐसी बात करो मत जो भाई जिसकी माफ़ी मांगना पड़े, ठीक है ना। अगर किसी को कोई मसला है कुरंगी में तारिक भाई, यानी यहाँ नाजो भाई का दोस्तों चैप्टर क्लोज हो गया, ये जो बात कर रहे हैं ये तारिक भाई से बात कर रहे हैं जिनकी छत पे देखो कुरंगी का नाम इस्तेमाल हो रहा है, कुरंगी में तारिक भाई भी रहते हैं। और तारिक भाई को पता है कि कुरंगी में और भी शौकीन है, वो तो चुप नहीं बैठेंगे ना भाई, हम इज्जतदार हैं, हम किसी के पास तक गए नहीं। अगर कोई कुरंगी में हमारे दोस्तों का, भाइयों का नाम लेगा, तो भाई हम तो पीछे नहीं हटेंगे। बात इज्जत की आ गई ना यार, जब इज्जत की आ गई तो भाई आप जीत पहले लिखवा लो। क्या मतलब? कबूतरबाजी की ना, जीत आप पहले लिखवा लो, लेकिन फिर शौक करो। अच्छा, जीत हार से हम भाई, हम तो लड़ा रहे हारने के लिए, लेकिन आप फिर दिल से शौक करो। हाँ,
जीत आप हमसे पहले ले लो, लेकिन हम हमारे से आप शो करो फिर शो करो। कहने का मतलब भाई ये है, कहने का मतलब ये है कि भाई जितनी आपके अंदर माशाल्लाह से आप समझदार हो, जितनी आप समझ वाली बात की आपको उसी टाइम ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात एक ही है कि आपकी छत पे ये पुरगंडा हुआ है, सारा बलवाई आपकी छत से चला है, तो ये आपको नाजो भाई से पहले आपको आगे माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि भाई ये छत पर मेरी छत इस्तेमाल हुई है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, सही है ना। क्योंकि बात कुरंगी की आ गई ना यार, बात कुरंगी की आ गई, खलीफाओं तक आ गई बात, ना आप उस्ताद वाले ना खलीफा वाले बंदे को छत पे चढ़ा के ऐसी बातें कर लो, तो ये जायज़ बात है। आप ये सोचो यार मेरे को, और जो भी आपको बात है जो भी करना कराना है तारिक भाई मुझे जानते हैं, मैं आ जाऊँगा, मैंने दो दफ़ा पैगाम भी पहुँचाया, कोई मसला है मैं तैयार हूँ, जैसे चाहे वैसे शो कर ले भाई, जैसे उनका दिल करे तारिक भाई का, मैं तैयार हूँ। ये था तारिक भाई के हवाले से, ये छत है वो दे दें हमारी, सिर्फ देखो छतों पर आके बात खराब होती है, छत वो दे रहे हैं हमें, कोई किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है भाई, छत वो दे रहे हैं बस, छत की यही होता है कि कबूतर वहाँ किसी किस्म के छुटे नहीं होते, थोड़ी छतें होती हैं बस, अपने अपनी तलवारें उतार लें भाई, जिनका वो बार बार जिक्र कर रहे थे, बाकी हमारे पास ये कबूतर हैं आप देख सकते हैं, ये कबूतर में बने 325 कबूतर हैं माशाल्लाह से, इसमें से हम 200 ले रहे हैं। कबूतर आप किसी से लड़ रहे हैं भाई? इधर तौफीक भाई हैं, उधर जाके लड़ रहे हैं, बाकी कोई लड़ाई नहीं लड़ा यार, इधर भाई नहीं लड़ाता, मसला ये है, सीधी सीधी बात है भाई, देखो यहाँ जब नए होते हैं तो सब लड़ाते हैं, अब कबूतर थोड़े समझदार हो गए, अब लड़ छूट हो गए तो सब भाग गए, टाइम टू वर्क, मसला ये दोस्तों यही होता है। और दूसरा मेरी एक और वीडियो में आपने देखा होगा, एहसन भाई, एहसन बिलंगा भाई, उधर भी कबूतर जब तैयार हो गया तो उधर कोई लड़ाने वाला नहीं, आपने देखा वैशाली गुरुआ खाली था, तो शौक जो है ना वो भरपूर, बहुत कम ही लोग लड़ाते हैं। तो आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई थी आएगी, और सुमेर भाई ने तारिक भाई को मुखातिब करके ये वीडियो में कहा है, और इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हमसे आप जीत पहले लिखवा लें, लेकिन ये कि आप शौक करें हमसे, और पूरी छतों का शौक करें, और अब देखते हैं इसके बाद ये क्या मामला चलता है। नाजो भाई वाला तो मामला क्लोज हो गया, और मुझे लगता है कराची में अब जिस तरह बातें चल रही हैं तो शौक नहीं होगा, लेकिन कोशिश पूरी है दोस्तों, शौक प्यार मोहब्बत से हो तो, वरना लड़ाई झगड़े की उसके फिजा में हो ही ना, अगर ना हो रहा तो ऐसा शौक को जो है ना ना होना बेहतर है। और भाई ये छतों वाली बात, कोई भी भाई हो हमारा, कोई भी हो, देखो हर बंदा अपनी इज्जत से डरता है, तो किसी के खिलाफ ना बात करी जाए भाई, कोई अगर किसी के दिल में शिकवा दिला है तो भाई आ जाए, फोन करे उसको, क्लियर बात है, अच्छी जगह पे खाना खाए बैठ के प्यार मोहब्बत वाला शौक करे, बोले भाई हम आपको शौक करना चाहते हैं, देखो अगर उसका वो उसका दिल चाहेगा तो उसी बंद पर्दे में बात खत्म हो जाएगी, वो बोलेगा यार मेरे पास वसाइल नहीं है, सही है ना। अगर वो बोलेगा कि यार नहीं मेरा दिल चाहता शौक करने का, उसी बंद पर्दे में वो शौक स्टार्ट हो जाएगा, प्यार मोहब्बत का शौक होगा, हमने यहाँ शौक भी करा है, हमारे बड़े भाई ने करा है, किसी किस्म की कोई बातें नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमारे भाई ने बोला हम वैसे चले। तो दोस्तों वीडियो को अख्ताम करते हैं, और इस बात से अख्ताम करूँगा कि अपना, अपनी फैमिली का और अपने चाहनों का, चाहने वालों का बहुत सारा ध्यान रखें, और मुझे भी दुआ में रखें, तब तक के लिए अल्लाह। जी दोस्तों ये इनके कबूतर खुल चुके हैं, अच्छा टुकड़ियाँ इनके पास अभी दो हैं, एक शिफ्ट खुली है अभी, ठीक है ये दोपहर वाली, और ये अभी दूसरी शिफ्ट खुलेगी, और ये तकरीबन जो है वो कितने कबूतर हैं सुमेर भाई? ये हैं 108 109 कबूतर हैं, 108 109 कबूतर हैं, थोड़े बहुत पर किसी के आ रहे हैं तो इसलिए इनको अलग कर दिया। अच्छा, और छत जो है ना ये पूरी दोस्तों ग्राउंड है, ग्राउंड है, ग्राउंड बनी हुई है, हर साल नहीं छोड़ते इधर, और ये यहाँ तक है छत, ये देखें ये पीछे भी है, ये 146-147 कबूतर। अच्छा ये 146-147 कबूतर में खोलना जरा दरवाजा, ये अभी सईद भाई ने लड़ाई भी दी, अच्छा लड़के आ चुके हैं लड़ाइया में, अच्छा माशा लड़ाइया लड़के आ चुके लांडी में, अच्छा लांडी कितने नंबर? लांडी 4 नंबर, लांडी 4 नंबर में दोस्तों ये कबूतर लड़के आ चुके हैं, और देखें इनके बाजुओं पे कलर भी लगा हुआ है, ये तो ऐसे भाई अब इनको तीसरे दिन लड़ा दो पेल पेल के, अच्छा हाँ हाँ पेल पेल के लड़ाओ भाई, अरे माशाल्लाह ये कास्टिंग अंडेदार भाई, इनमें बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं, नायाब कबूतर हैं इनमें, ये काला चप बैठा हुआ है, आतिशी बैठे हैं सामने, काबरे माशाल्लाह काबरे तो देखें आप, काबरे भाई चांदने देखो, एक से खूबसूरत चांदना इनमें, देखिए काबरा बैठा, हाँ माशाल्लाह सारे देसी कबूतर हैं, सारे देसी और लोहे लोहे लोहे, ये देखो ना चांदना, देखो ऐसा चांदना मिलेगा आपको,
ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा चांदना और ऐसा चांदना वो कोने में बैठा हुआ घाघरा चांदना, मजबूती इनकी एंड है माशाल्लाह, दिल खुश हो गया भाई। भाई ने जिन फाइटरों की बात करी वो ये फाइटर है भाई। अच्छा हाँ, ये लड़के भी आ चुके हैं इनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनको हमने इसीलिए रोका हुआ यहाँ पे। लाजवाब। अब बाहर चलते हैं, पटेज देखें दोस्तों। उठाना काफी देर से खुले हुए दोस्तों, ये आने दो आने दो। हाँ साइज के जूते हो रहे हैं दोस्तों, सब लड़े हुए कपड़े। और दोस्तों इसके अंदर एक गुलाबी है, वो सारे गुलाबियों पे भारी है। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला गुलाबी बड़ा भारी है। एक से एक खूबसूरत, वो देखा खेरा, कास्ती खेरा। हाँ कास्ती खेरा ये आया, सवस खेरे हैं इसमें, बबरे खेरे दो, एक वो बैठा हुआ, सब लड़ते हुए कबूतर हैं भाई। सिर्फ इनके परवल किसी के झाड़ी, एक दो पत्तों से मार खा गया ये खाल, सफेद दुम का खाल चप। लाल चांदना मैना था, देखें कैसा लाल हो रहा है। कबूतरों का साइज जो है ना एक समान हो रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। ग्राउंड है पूरी चीज, और यहाँ इन्होंने कुछ जोड़े बनाए हुए हैं खालों के, पट्ठे भी निकले हुए। अब इनकी दूसरी टुकड़ी दिखाते हैं आपको दोस्तों, ये बंद होने वाली, काफ़ी देर से खुली हुई है ये। जी बिस्मिल्लाह, ये अब देखें दोस्तों इनकी दूसरी टुकड़ी खुल रही है। आ आ अच्छा सोमी भाई, ये कितने कबूतर हैं? ये 146-147 कबूतर। पहली हवा दोस्तों, हवा समझाया। कल परा था ना? हाँ लगा भाई, कबूतर आया भाई। ये
ये भागा तो उससे। ये सामने खुल गए। तौफीक भाई के ना, ये तौफीक भाई के कबूतर हैं। ये टुकड़ी जो है ये तौफीक भाई की है। आसिफ भाई कहीं, ये आसिफ भाई वाले कबूतर। कबूतर देखते ही आगे बढ़ गया। सिमटा छत काफ़ी बड़ी है। देखें दोस्तों 146 कबूतर भी देखें 40-50 ही लग रही हैं। दोपहर का टाइम है, दोपहर में कबूतर बहुत हाथ मारता है और सुबह के टाइम इनके 4-5 कबूतर हाथ मार गए। गर्मी हो रही दोस्तों, छोटी टुकड़ी उड़ गई सामने। Yeah!
रहेगा ही। पलटाया दोबारा, संभल के पलटेगा कबूतर। Oh!